नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल में। आज हम स्टडी करेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन को। कैस्केड रेफ्रिजरेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन। सपोज करो ये हमारा सिंपल वीसी साइकिल है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 प्रोसेस हो रही है। 1, 2, 2 आपकी कंप्रेसर में कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, 1, 2, 2 कंप्रेसर में कंप्रेशन हो रहा है। फिर 2, 2, 3 कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है। कंडेंसर से कहाँ जा रही है? हीट एनवायरमेंट में। 3, 2, 4 जो प्रोसेस है थ्रोटलिंग हो रही है। और 4, 2, 1 जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इवेपोरेटर में फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, तो यहां पर भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्टोरेज है ये। स्टोरेज से यहां से हीट जा रही है, यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है क्यू ए 4, 2, 1 प्रोसेस में। और यहां पर है एनवायरमेंट कह सकते हो या सराउंडिंग कह सकते हो। यहां पर यहां इस जगह से हीट रिजेक्ट हो रही है क्यू आर। ठीक है, तो ये सिंपल साइकिल है। ये 4, 2, 1 प्रोसेस में हीट आपकी स्टोरेज से ले रहा है ये। तो बहुत सिंपल साइकिल, ये आपको पता है। अब देखो ये जो T1 टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है? ये स्टोरेज स्पेस जहां से हीट ले रहा है। मतलब ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए, स्टोरेज से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हीट तभी तो फ्लो करेगी। स्टोरेज से इस जगह पे, यानी कि स्टोरेज से इवेपोरेटर में हीट कब फ्लो करेगी? जब इवेपोरेटर का टेम्परेचर स्टोरेज से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, स्टोरेज से हीट फ्लो करेगी यहां पर, क्योंकि हीट हमेशा लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो करती है। तो स्टोरेज से इवेपोरेटर में, और कंडेंसर का टेम्परेचर एनवायरमेंट का टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी तो हीट बाहर निकलेगी, है ना। कंडेंसर से बाहर हीट जाएगी एनवायरमेंट में जब कंडेंसर का टेम्परेचर थोड़ा सा एनवायरमेंट से ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा भी होगा आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो कंडेंसर बना होता है, जो जाली होती है, जो पुराने थे उसमें जाली होती थी, जाली टाइप में लगी होती थी रेफ्रिजरेटर के जस्ट पीछे, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा मिलेगा, वो गर्म मिलेगा आपको अगर हाथ लगा के देखोगे तो। या आजकल के जो नए रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें क्या है, पूरी बॉडी में ही कंडेंसर डाल देते हैं, बॉडी के बाहर आउटर साइड में। तो आप बॉडी को हाथ लगा के देखोगे वो गर्म मिलेगी, वो कंडेंसर है, वहां से हीट रिजेक्ट हो रही है एनवायरमेंट में। दूसरी, ये तो ठीक है कंडेंसर का टेम्परेचर तो ठीक है, आपने कर दिया कि एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी आपकी हीट रिजेक्ट होगी, नो डाउट। अब ये जो टेम्परेचर सेट होता है, ये वाला टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड करता है? स्टोरेज में आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। तो स्टोरेज में जितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से ये टेम्परेचर सेट होता है। स्टोरेज मान लो आपका -1 डिग्री पे सेट है, ये स्टोरेज -1 आपको चाहिए यहाँ पर टेम्परेचर, तो यहाँ पर कितना होगा? -2 या -3 होगा, थोड़ा सा लोअर होगा क्योंकि हायर से लोअर आपकी हीट फ्लो करेगी। अब अगर अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है, मतलब लेबोरेटरीज में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वहां पर, अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस करना है, देखो कम टेम्परेचर होगा, अगर इस टेम्परेचर को आप और भी नीचे ले आओगे, और भी टेम्परेचर को अगर डाउन करोगे तो देखो क्या होगा, ये टेम्परेचर जो होगा, सपोज करो ये टेम्परेचर आपको चाहिए, ठीक है, ये टेम्परेचर चाहिए T1 डैश, ये टेम्परेचर चाहिए, तो ये आपका कंप्रेसर का, ये कंप्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ये 2 डैश प्रोसेस, ये 1 डैश और ये 4 डैश। अब देखो अब क्या हुआ है एक्चुअल में, ये जो था ये 4, 2, 1 जो है, क्योंकि यहां पर आपको कम टेम्परेचर चाहिए, जितना ज्यादा यहां पर कम टेम्परेचर करोगे उतना ही इवेपोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। इवेपोरेटर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। देखो ये P1 डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इस लाइन पे, यहां से 4, 2, 1 इस जगह पे एक प्रेशर है, और इस जगह पे सपोज करो P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इस लाइन पे, और यहां पर 2, 2, 3 इस जगह पे P2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे आप नीचे करोगे वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा। सपोज करो टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 + C
माइनस सी इंटू पी टू बाय पी वन की पावर वन बाय एन है। पी टू को चेंज नहीं कर रहे हो, पी टू सेम है, पी टू को चेंज नहीं कर रहे हैं, पी टू क्या है सेम है, किसको डिक्रीज कर रहे हैं, पी वन को डिक्रीज करते हैं, पी वन को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। पी वन को डिक्रीज अगर करते जाओगे तो ये टोटल वैल्यू, ये डिनोमिनेटर में है ना, डिक्रीज कर दिया तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी और ये माइनस में है, तो इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी, इसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना ही वर्क इनपुट इंक्रीज होता जाएगा, वर्क इनपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या थी, एक्चुअल वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट का कितना जा रहा है कंप्रेसर के अंदर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम, ये थी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अगर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी तो एक्चुअल वॉल्यूम जो उसके अंदर जा रहा है कंप्रेसर के अंदर वो भी कम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम कम जा रहा है तो साइकिल तो आपको कॉन्स्टेंटली रन करना है तो कंप्रेसर को तेजी से रन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम कम जा रहा है लेकिन हमें तो जो जितना रेफ्रिजरेंट का अमाउंट है उतना ही कंप्रेस करना है वो साइकिल को चलाते रहने के लिए, तो एक्चुअल वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम आ रही है तो कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब वर्क इनपुट इंक्रीज होगा, वर्क इनपुट इंक्रीज होगा तो सीओपी आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आरई बाय वर्क इनपुट है, अगर वर्क इनपुट इंक्रीज होगा तो सीओपी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चलो फिर से बता देता हूं मैं, अगर इस पी वन इस टी वन टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा पी वन, और P1 अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक ये माइनस में इंक्रीज हो गया यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होती है तो एक्चुअल वॉल्यूम जो जा रहा है कंप्रेसर के अंदर वो कम जाएगा और इसकी वजह से आपका वर्क इनपुट बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस कर रहे हो और थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जा रहा है उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर तो कंप्रेसर को ज्यादा वॉल्यूम वर्क करना पड़ेगा, कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो सीओपी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी लो टेम्परेचर इफ कंप्रेशन इज डन इन ए सिंगल कंप्रेसर देन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी विल बी वेरी लेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी वेरी लेस क्यों होगी क्योंकि ड्यू टू ये प्रेशर रेशो क्या हो गया डिक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर रेशो, ठीक है, सॉरी पी टू बाय पी वन की वैल्यू इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर रेशो, प्रेशर रेशो जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ये वैल्यू पी टू बाय पी वन क्या है प्रेशर रेशो जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन का यूज क्यों करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कैस्केड रेफ्रिजरेशन में क्या होगा फिर देखो, कैस्केड रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, यहां पर स्टोरेज, यहां से हीट आई क्यू वन, ये रेफ्रिजरेटर वन, डब्ल्यू इनपुट दिया, डब्ल्यू वन लिख लेते हैं इसको, डब्ल्यू वन, ये हीट रिजेक्ट हो गई किसी इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे, Q2 हीट रिजेक्ट हुई और इस Q2 हीट को यहां से उठाएगा दूसरा रेफ्रिजरेटर R2 जिसमें W2 वर्क है और ये किसमें सराउंडिंग में इसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब हमने दो रेफ्रिजरेटर सीरीज में लगा दिए, पहला रेफ्रिजरेटर जहां पर हीट रिजेक्ट कर रहा है यानी कि पहले रेफ्रिजरेटर का जहां पर कंडेंसर है दूसरे रेफ्रिजरेटर का वहीं पे क्या है इवेपोरेटर है, यानी कि आप कह सकते हो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी क्या करते हैं हम, अगर आपको देखो इसका मैं सही एग्जांपल आपको बताता हूं, सपोज करो
आपको आपके रेफ्रिजरेटर में जल्दी से आइस चाहिए, आइस क्यूब चाहिए आपको बहुत फास्ट चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कंडेंसर का हीट रिजेक्शन रेट बढ़ा दो। कंडेंसर से हीट रिजेक्शन जितनी जल्दी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही जल्दी उतनी ही इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी और उतनी ही जल्दी आइस बनेगी, क्योंकि हीट रिजेक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी तो हीट एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाएगी। सिंपल, ये अगर बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ेगा। सिंपल, तो आप क्या करो, रेफ्रिजरेटर के पीछे जहां पर कंडेंसर है ना, उसके ऊपर फैन लगा दो आप। अगर आपको आइस जल्दी चाहिए, आपके घर में पार्टी है, कोई फंक्शन है, आपको आइस जल्दी चाहिए, तो क्या करो, पीछे कंडेंसर के पीछे एक फैन लगा दो। फैन, उसके ऊपर हवा लगनी चाहिए, तो उसके ऊपर हवा लगेगी। क्या किया आपने, हीट ट्रांसफर का भी यहां पर एप्लीकेशन है। हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन क्या है, आप वहां पर फैन लगा के हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर दिया आपने, एच इंक्रीज कर दिया। होता है ना, हीट ट्रांसफर रेट किस पे डिपेंड करती है, T2-T1 पे और एच पे भी और एरिया पे भी, ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। हीट ट्रांसफर रेट क्यू की वैल्यू क्या होती है, HA T2-T1 या डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं ये इस टाइप से। तो एच, अगर एयर की वेलोसिटी इंक्रीज करते हो तो एच इंक्रीज कर रहे हो, ये हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। एच की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो हीट ट्रांसफर रेट क्यू इंक्रीज हो जाएगा, एच इंक्रीज होगा तो क्यू भी इंक्रीज होगा। क्यू इज इक्वल टू एच ए T2-T1, आपने ये H इंक्रीज कर दिया तो Q भी इंक्रीज होगा। तो आप क्या कर रहे हो, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ा रहे हो, तो हीट ट्रांसफर रेट यहां पे बढ़ी तो Q भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें इसलिए क्या करते हैं कि पहला जहां पर कंडेंसर है वहां से हीट उठा के दूसरा रेफ्रिजरेटर, दो रेफ्रिजरेटर को सीरीज में अगर लगा देंगे तो उससे बनेगा, उसी को कहते हैं हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन। अगर इसको पीएस डायग्राम पे शो करते हैं, तो ये बनता है, ये रेफ्रिजरेटर टू है और रेफ्रिजरेटर वन जो होगा वो यहां, ठीक है, ये जो होगा रेफ्रिजरेटर वन का साइकिल होगा। यहां पर इसके कंडेंसर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा दूसरे रेफ्रिजरेटर के इवेपोरेटर के टेम्परेचर से, क्योंकि यहां से हीट यहां पे जाएगी, हीट यहां से इस जगह पे जाएगी, ठीक है। ब्लू से रेड में यहां पे हीट ट्रांसफर होगी, यहां से यहां पर हीट ट्रांसफर यहां से यहां होगी और यहां पर स्टोरेज से लेगा और ये वाला एनवायरमेंट में आपको सप्लाई करेगा। तो ये होगा कैस्केड रेफ्रिजरेशन, सिंपल। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे इसकी सीओपी, सीओपी कैसे निकालते हैं। कैस्केड रेफ्रिजरेशन के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखो, दो रेफ्रिजरेटर है, एक R1 और एक R2, तो R1 की सीओपी क्या आएगी, इसको लिख लेते हैं COP1। सीओपी वन आएगा आरई मतलब Q1 डिवाइड बाय W1, ये आएगी सीओपी वन की वैल्यू। और सीओपी टू की वैल्यू क्या आएगी, इसकी सीओपी यहां से हीट क्या ले रहा है, Q2 डिवाइड बाय W2, Q2 बाय W2, ये आएगी सीओपी टू की वैल्यू, ठीक है। और एक्चुअल जो सीओपी आएगी, टोटल सीओपी, सीओपी की वैल्यू क्या आएगी, मेनली मेन जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, यही है यहां, इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, Q1, और वर्क कहां कहां दे रहे हैं हम, W1 प्लस W2। एक तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसके लिए सीओपी का फॉर्मूला क्या आएगा, Q1 यहां से जितने हीट ले रहा है, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर यहां पर प्रोड्यूस करना है, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हुआ, Q1, और वर्क कहां कहां दे रहे हैं, यहां भी और यहां भी, दो जगह वर्क दे रहे हैं, तो Q1 डिवाइड बाय W1 प्लस W2, ये आएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, सॉरी सीओपी, सीओपी आएगी Q1, Q1 आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि यहां से ये इतनी हीट ले रहा है और वर्क दो जगह दे रहे हो W1 एंड W2, इसको कहेंगे हम
वन डिवाइड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये आ जाएगी सीओपी। लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। देखो सीओपी वन की वैल्यू ये है, यहां से सीओपी वन की वैल्यू ये है, तो डब्ल्यू वन की वैल्यू निकालनी है हमें। डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन बाय सीओपी वन, एंड दूसरी क्या थी, इसको यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सीओपी टू की वैल्यू थी क्यू टू बाय डब्ल्यू टू, तो यहां से डब्ल्यू टू की वैल्यू, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइड बाय सीओपी टू। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू की। बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करना आपको, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की वैल्यू पुट करनी है। क्यू वन डिवाइड बाय डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है, क्यू वन बाय सीओपी वन प्लस डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या है, क्यू टू डिवाइड बाय सीओपी टू। देखो यहां क्यू टू बाय सीओपी टू, यहां पर क्यू वन बाय सीओपी वन, यहां पर भी क्यू वन है। अगर इस क्यू टू को भी क्यू वन की फॉर्म में लिख दे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्यू वन, ये भी क्यू वन, और क्यू वन, ये क्यू वन की फॉर्म में अगर आ जाएगा तो मैं भी हो सकता है क्यू वन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहां से क्यू वन हटाना है, तो क्यू वन हटाने के लिए देखो क्या क्या करेंगे हम। क्यू वन, क्यू वन यहां पे एंटर कर रहा है इस रेफ्रिजरेटर के लिए, क्यू वन एंटर कर रहा है, डब्ल्यू वन भी एंटर कर रहा है, बाहर क्या निकल रहा है क्यू टू। तो क्यू टू को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू वन प्लस डब्ल्यू वन, तो क्यू टू को हम एडिट कर देंगे, ये क्यू वन डिवाइड बाय क्यू वन बाय सीओपी वन प्लस क्यू टू की जगह क्या लिख देंगे, क्यू वन प्लस डब्ल्यू वन डिवाइड बाय यहां पर सीओपी टू पहले से ही है, ठीक है। फिर से ये आ गया डब्ल्यू वन, इसको अलग अलग लिख लेंगे और डब्ल्यू वन को फिर से लिख देंगे क्यू वन बाय सीओपी वन। तो सीओपी की वैल्यू आई क्यू वन डिवाइड बाय ये क्यू वन बाय सीओपी वन प्लस क्यू वन बाय सीओपी टू प्लस डब्ल्यू वन बाय सीओपी टू आएगा। डब्ल्यू वन को क्या लिख देंगे, क्यू वन बाय सीओपी वन। डब्ल्यू वन को क्या लिख देंगे, क्यू वन, इस डब्ल्यू वन को लिख देंगे क्यू वन बाय सीओपी वन, और नीचे सीओपी टू पहले से ही है। अब देखो ये क्यू वन यहां से कॉमन आ जाएगा, क्यू वन ऊपर है कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम क्यू वन डिवाइड बाय क्यू वन, यहां पर वन डिवाइड बाय, यहां पर बचेगा वन बाय सीओपी वन प्लस वन बाय सीओपी टू प्लस वन बाय सीओपी वन इंटू सीओपी टू। सीओपी वन एंड ये तो कैंसिल हो गया आपस में, सीओपी वन और सीओपी टू, सीओपी वन इंटू सीओपी टू को एलसीएम ले लो यहां पर, तो सीओपी की वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइड बाय यहां पर सीओपी वन एंड इंटू सीओपी टू, ये एलसीएम आएगा, तो ये एलसीएम आ गया, तो यहां पर सीओपी टू बचेगा, यहां पर सीओपी वन, सीओपी टू प्लस सीओपी वन प्लस वन ये आ जाएगा। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो हम सीओपी को लिख सकते हैं, ये टर्म आपके ऊपर चली जाएगी, सीओपी वन इंटू सीओपी टू डिवाइड बाय सीओपी वन प्लस सीओपी टू प्लस वन। अब इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर सीओपी ही है ना, ये तो क्यू वन भी नहीं है और डब्ल्यू वन भी नहीं है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला सीओपी के लिए आप या तो ये फॉर्मूला यूज करोगे या ये फॉर्मूला, दैट डिपेंड्स। अगर दोनों की अलग अलग रेफ्रिजरेटर की सीओपी दी हुई है सिर्फ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट इसको। सीओपी वन, इसका सीओपी क्या आएगा, क्यू वन बाय डब्ल्यू वन, तो डब्ल्यू वन की वैल्यू, डब्ल्यू वन की यहां से वैल्यू आ जाएगी, डब्ल्यू वन इधर आ जाएगा क्यू वन बाय सीओपी वन। और सीओपी टू, इसकी सीओपी सेकेंड रेफ्रिजरेटर की सीओपी आएगी क्यू टू बाय डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू की वैल्यू क्यू टू बाय सीओपी टू आएगा। और एक्चुअल में जो सीओपी है इस पूरे सिस्टम की सीओपी क्या आएगी, मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा है, ये वाला, ये यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, क्यू वन हीट यहां से जो जा रही है यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है।
स्टोरेज से जितनी हीट बाहर जा रही है वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है Q1, और वर्क कहां कहां दे रहे हैं W1 प्लस W2, तो COP का फॉर्मूला Q1 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 ये आएगा। अब इसमें अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे W1 को लिख देंगे Q1 बाय COP2 और W2 को Q2 बाय COP2। अब ये Q2 हमें नहीं चाहिए तो Q2 इस जगह से देखते हैं तो Q2 की वैल्यू क्या है Q1 प्लस W1। Q2 की वैल्यू क्या है Q1 प्लस W1, यहां से हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा दिया। Q1 की वैल्यू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू को लिखते हैं Q1 प्लस W1 ये लगा दिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं Q1 बाय COP1 एंड W1 बाय COP1 सॉरी Q1 बाय COP2 W1 बाय COP2 अलग अलग लिख दिया और W1 की जगह पुट कर दिया हमने W1 की जगह फिर से वही Q1 बाय COP1 ये पुट कर दिया। सिंपल बस W1 Q1 Q2 इनको हटाना है तो सबसे पहले W1 W2 की वैल्यू कर दो फिर Q2 को हटाने के लिए ये फॉर्मूला पुट किया वापस W1 आ गया फिर से W1 को पुट कर दिया तो यहां से Q1 कॉमन आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा फिर LCM लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी COP की, ठीक है। तो ये था कैस्केड रेफ्रिजरेशन के बारे में कैसे COP निकालते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन को यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो और लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।